चलिए निमसेट के एक और टॉपर से मिलते हैं, खुशी गोयल से, जो कि मथुरा से हैं और जिनका ऑल इंडिया रैंक 260 है और फाइनल ईयर के साथ ये रैंक अचीव किए। तो खुशी, सबसे पहले आपको ऑल इंडिया रैंक 260 के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू एंड इट कांट बी पॉसिबल विदाउट यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। तो खुशी, आपने ये रैंक अपनी फाइनल ईयर के साथ अचीव की है, तो मैं यस चाहूंगा कि आपकी जो इंटायर सक्सेस जर्नी, सबसे पहले आपने निमसेट के लिए कब सोचा, फिर किस ढंग से प्रिपरेशन की, फिर इम्पीटस की जो टेस्ट पेपर्स थे, मटेरियल था, उनको कैसे और कितने बार सॉल्व किया, मतलब आपकी जो इंटायर सक्सेस जर्नी मैं चाहूंगा वो बताओ आप। सर, एक्चुअली मुझे मई या जून में लास्ट ईयर पता चला कि निमसेट एग्जाम होता है, क्योंकि ठीक मुझे है, सेकंड ईयर तक तो ऐसा, फिर मैंने सोचा, मतलब फिर काफी ये था, कंफ्यूजन था कि निमसेट देना भी चाहिए नहीं देना चाहिए, कि अगर उसके लिए अपेयर करूंगी तो मैं अपने स्किल्स पर फोकस नहीं कर पाऊंगी। फिर उसके बाद से अप्रोक्स सेप्टेम्बर और अक्टूबर में जाके ऐसा फाइनलाइज किया कि हाँ ठीक है चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं ठीक और फिर है, देखते हैं क्या होता है। और सर आई विल बी ऑनेस्ट, मैंने आपकी एक ड्राइव पर एक लिंक थी, उससे पहले मुझे नहीं पता था इम्पेटस गुरुकुल है कुछ, तो मैंने वो ड्राइव पर लिंक थी, उसमें आपका 2021 का एक कोर्स था, ठीक है, मैंने वो था उसमें, तो मैंने उससे पढ़ाई स्टार्ट की। और सर एक्चुअली मतलब मुझे इतना अच्छा लगने लगा फिर उस पर, फिर मैंने उसके सारे लेक्चर्स वगैरह देखे और मार्च तक मैंने ऐसे ही प्रिपेयर किया, मतलब बहुत ढीले ढाले, जब जब मन किया था पढ़ लिया, जब मन किया नहीं पढ़ा। फिर तो उसके बाद आपका मैजिकल कैप्सूल कोर्स आया, फिर मैंने मार्च में वो ज्वाइन किया था, और तब से मतलब वी कैन से मार्च से मैंने रेगुलर पढ़ाई करना शुरू किया। एक्चुअल में आपने सितंबर से भी पढ़ा इम्पीटस से ही, पर वो एक जो डिसिप्लिन लाइव क्लास के साथ, यही प्लस पॉइंट होता है कि डिसिप्लिन आ जाता है। आपके पास कोर्स था ड्राइव पे, पूरा रिकॉर्डेड कोर्स था, आप उससे पढ़ते रहे, पर जब आप लाइव जुड़ जाते हो तो कहीं ना कहीं वो डिसिप्लिन, रेगुलर कनेक्टिविटी, वो सब चालू हो जाती है, और फिर वही सर, इतने मतलब सारे टेस्ट होते हैं कि वो सब कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देते हैं। सर बेस्ट पॉइंट मैजिकल कैप्सूल के बारे में यही था कि उसमें टेस्ट पेपर्स बहुत ज्यादा थे, तो टेस्टिंग से मुझे पता चला कि मैं कहाँ वो पॉइंट कर पा रही हूँ, तो इसलिए मुझे उसने बहुत ज्यादा हेल्प की। बिल्कुल सही बात है, और मैं हमेशा बोलता हूँ इम्पीटस गुरुकुल का कोई कोर्स भले बहुत छोटा भी हो, उसमें भी इतना कंटेन होता है कि अगर उसको भी कोई अच्छे से कर ले तो डेफिनेटली रिजल्ट दे सकता है। पर कहीं ना कहीं पीछे जो आपने 6 महीने जो पूरा कोर्स पढ़ा था, वो चीज भी आपकी काम आई, जिससे लास्ट 3 मंथ में आपने एकदम से परफॉर्मेंस दी। तो खुशी, ये बताओ कि कॉलेज के साथ आपका ये मैनेजमेंट कैसे रहता था, निमसेट का मैनेजमेंट और कॉलेज की पढ़ाई? सर कॉलेज की मैंने एग्जाम से पहले ऐसा सच इतनी कोई पढ़ाई नहीं की थी, हमारे मिड टर्म्स वगैरह होते थे उसके लिए थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे, और मई में हमारे फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम्स थे, तो उसमें मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, मतलब एक मंथ के लिए एकदम ड्रॉप ही हो गई थी, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी पे भी फोकस करना था। फिर उसके बाद से मतलब ये था कि मार्च एक्चुअली मतलब 12th में मेरे पास पीसीएम था, तो उसने काफी हेल्प की। ओके, फिर हाँ मतलब मार्च तक मैंने आपकी जो वीडियोस देखे थे उससे मेरा एक बार पूरा सिलेबस हो चुका था, और मई में जो मेरे एग्जाम्स थे तब तक मैंने आपका मैजिकल कैप्सूल से, आपने काफी सिलेबस कवर अप कर लिया था, तो मैंने वहां तक कर लिया था, तो एज सच मुझे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि पहले से ही पता था कि एग्जाम्स आने वाले हैं, तो मैं ऑलरेडी प्रिपेयर थी उस चीज के लिए। बिल्कुल सही बात है। अच्छा खुशी, ये बताओ कि आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? सर मैं यही बोलना चाहूंगी कि प्रेशर से बिल्कुल नहीं पढ़ाई करें, अगर नॉर्मल होके इंसान पढ़ेगा तो ही अच्छा कर सकता है, और मतलब कंटिन्यूअस, बस पढ़ाई कंटिन्यूअस होना जरूरी है, अगर कंटिन्यूअस होती रहेगी तो हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, अगर कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी बनी रहे तो डेफिनेटली रिजल्ट में कन्वर्ट होता है। तो खुशी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, अब एनआईटी में जाके भी आप ऐसे ही परफॉर्म करें, अभी क्योंकि ड्यू टू थैंक यू आपकी सो मच। सिस्टर की कुछ प्रोग्राम है, एंगेजमेंट वगैरह, यस कोशिश करिए भोपाल सेरेमनी में आने की, नहीं तो कोई बात नहीं। तो वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा।